सुना है, कभी भी भेदभाव को कभी जिंदगी में आने नहीं देता हूँ। और मैं अपने शिष्यों को भी यही सिखाता हूँ, प्यार बांटो, खुशी बांटो, शांति बांटो, आनंद भर दो हर एक में, रसिकों में, कलाकारों में, आप अपने मिल के कुछ समय बिता लो, क्योंकि जिंदगी जो है वो वैसे भटकने वाली है, मैं जानता हूँ, लेकिन प्रेम बांटो, और जितना प्रेम बांटोगे उतना ही आनंद आएगा। इसलिए मेरी यही कहना है, जो भी हमारे शिष्य हैं या जिन गुरुओं के शिष्य हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि सब यही करो, एक ही कार्य, प्रेम, खुशी, आनंद, उमंग, ये सब साथी के बस फिर आनंद ही आनंद है। ये कहते हुए बहुत बहुत हम आशीर्वाद देते हैं नंदू को भी, और जो भी कलाकार हमारे सब आए हैं, ईश्वर करे खूब अच्छे रहें, खूब काम करते रहें अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी जगहों पर, और मैं कथक की जय जयकार होती रहे, नाच्य की जय जयकार होती रहे, हमारे भारत का नाम होता है, और हम जो जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गेली अनेक वर्ष सातत्याने या शहरामध्ये सांस्कृतिक वसा जपण्याचं आम्ही हे सर्व मंडळी कार्य करीत आहोत। अनेक वर्ष केलेल्या कामाचं चांगल्या कर्माचं फळ एवढं मोठं असू शकतं हे मी आज स्वतः अनुभवतोय, आणि हेच पुरस्कार याच्यात मी घेतलेला आहे असं अजूनही मला म्हणजे अतिशय सर्व पुरस्कार अनेक पुरस्कार मिळाले, पण मला वाटतं की पुरस्कार मधला पूर्ण गरम आज नंदकिशोर प्रभू यांच्या या अकॅडमीमध्ये मिळाला। काल महाराजांनी सांगितलं वर्तमानपत्रामध्ये मत प्रकट केलं की स्वर हा परमेश्वर आहे आणि नृत्य हा गाभारा आहे, पण महाराज त्या गाभाऱ्यातील नृत्य देवता आपण आणि नटराजांना आम्ही पूजा करतो आणि साक्षात पाहतो आपण आम्हाला। तसं महाराष्ट्राचं कीर्तन आणि नर्तन हा महाराष्ट्राचा प्राणवायू आहे, कीर्तनातूनच नृत्य निर्माण झालं आणि नाट्य देखील निर्माण झालं, पण कीर्तनानंतर नृत्याला विश्वव्यक्ती जे प्राप्त करून दिली ते आपण लिहिले, आणि आपण महाराष्ट्रामध्ये आला आणि आम्ही आमची भूमी पावन झाली, आपला पुरस्कार घेऊन, आपल्या हातून पुरस्कार घेऊन माझ्यावर प्रचंड मोठी जबाबदारी येऊन घेतलेली आहे। हे नंदकिशोर कपूरजी नृत्याची सेवा करतात, आता पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये आंतरराष्ट्रीय क्षेत्र स्तरावर आता मलाही काहीतरी करावं लागणार त्यांच्या आशीर्वादाने, आणि ते मी निश्चित करेन। ते खाली उतरावं लागेल एक मिनिट। मागे या ना तू, पंडित जी तुम्ही दिसत नाही, पंडित जी पद्माकर, हा तुम्ही थोडस आशीर्वाद मिलता रहता है, इसीलिए हम लोग काम कर सकते। Okay.
बेटा मांगे मांगे खंड जाति काली पर है भुज दंड पर मानो गत फणि आज मुख चंद्र को काल लोचन भय धरन के सुरन तो हाथ अट्टाट कर हनत हर दैत्य को प्रबल पर चंड द्युति चंड चामुंड धर छटकि जहरात मनि पटकि मारो ब्रह्मादि इंद्रादि तनकादि देवादि कृत धन्य कृत धन जस गान गायो जय तुझे जय तुझे जय माँ शिवानी जय तुझे जय तुझे जय माँ भवानी जय तुझे जय तुझे
जय जय मात दुर्गे जय मात दुर्गे जय मात जय तेरी जय। वो साड़ी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, गत भी तो गत एलकेजी स्टुडंट्सला शिकवते असं समजलं तरी हरकत नाही, कारण ज्या भागात नाही आहे त्या भागात जायचा प्रयत्न केला आणि फक्त ताथाई थेटाची ओळख करून दिली आणि आता फक्त मी एक तुकडा आणि तिहाई करून जी का मतलब पुनर लाइन से थोड़ा मैं सीखा था। मैं ऑफिस में नौकरी करता था, पीएनटी ऑडिट में मैंने जॉब किया है और 97 में मैं रिटायर हुआ हूँ। ऑफिस में ही था, मेरे को शौक था खूब बचपन से, पता नहीं क्यों मेरे घर में तो कुछ नहीं था, राजस्थानी मैं मारवाड़ी और तो इसलिए मैंने कैसे भी ट्रांसफर ले लिया, जयपुर चला गया जयपुर पुनर लाल जी थे गुरु जी, तब उनसे थोड़ा ऑफिस भी करके बीच में चले जाके थोड़ा सा सीखता था। तो जब प्रेरणा घर ट्यूशन के लिए जाया करते थे सब लड़कियों की, यहाँ ट्यूशन के साथ साथ घूमा करता था उनके साथ, तो एक मेरे को आई है उनकी सीखी हुई परत, तो थोड़ा बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ। तक तक ढूंग धिकट तक ढूंग तथुंग तक ढूंग ताजी गई थाई ताजी गई थाई ताजी गई थाई तत्त थे तत्त थे तत्त थे तत्त थे।